मेरे प्यारे साथियों, आज हम करेंगे फिजिकल एजुकेशन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी आगामी जो परीक्षाएं हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं स्टेट की परीक्षाएं हैं, TGT हैं, PGT हैं या DSSP की, कोई भी फिजिकल एजुकेशन की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन के लिए वन लाइनर है। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, भैया क्वेश्चन है, तो भाई 1927 ईस्वी में थी। ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक का जो झंडा था 1913 में तैयार हुआ था भाई, ठीक है। ओलंपिक्स जो ज्वाला जलाई जाती है या ओलंपिक मशाल की शुरुआत 1928 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत कब आज़ाद हुआ था भाई, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उसके बाद भारत में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना 1998 में हुई थी, ठीक है। अगला बात है, भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, 1920 में हुई थी, और रेड क्रॉस की संस्थाएं जो शाखाएं हैं प्रत्येक राज्य में तथा प्रत्येक ज़िले में स्थापित हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम की स्थापना कब की थी, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं आपसे, तो हम इनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम की स्थापना कब की गई थी, 1948 में की गई थी। इसके बाद हम क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया गया था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर HQ कहाँ है, जिनेवा में है, कहाँ है, जिनेवा में है। पहली बार क्वेश्चन हमारा है, पहली बार प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया गया था जे बेरजिलियम से किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना कब हुई थी, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना कब हुई थी, 1954 में थी। भारतीय खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना 1958 को हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये शब्द किसने कहे थे, तो ये शब्द थे बहुत बड़े दार्शनिक फिलोसोफर प्लेटो के थे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य का सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, समाज के बिना मनुष्य या मानव पशु है या देवता, ये शब्द किसने कहते हैं, ये एरिस्टोटल ने या अरस्तु ने कहे थे। सबसे पहले बात करते हैं अरस्तु ने क्या कहा मानव के बारे में, समाज के बिना मानव पशु है या फिर देवता, ठीक है। सही ढंग से काम करने का नाम ही योग है, किसने कहे भाई, सही ढंग से काम करने का नाम ही योग है, श्री कृष्ण ने कहा है सही ढंग से काम करेंगे इसी का नाम योग है। अगला क्वेश्चन हमारा है योग की अवस्थाएं कितनी होती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला है भाई, योग की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो योग की 8 अवस्थाएं होती हैं। यम के कितने भाग होते हैं या कितने पार्ट होते हैं, तो यम के 5 पार्ट होते हैं, ठीक है। प्राणायाम के कितने भाग होते हैं, प्राणायाम के तीन भाग होते हैं। अगला है राष्ट्रीय जल नीति की स्थापना कब की गई थी, भारत में राष्ट्रीय जल नीति की स्थापना 1987 को की गई थी। मैट शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
भाई शारीरिक शिक्षा में मैट शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है, तो मैट खेल का प्रयोग या तो जूडो के लिए किया जाता है या कराटे के लिए किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे अगला क्वेश्चन है, आईसीसी टी20 कहाँ थे, ऑस्ट्रेलिया में थे। अगला बात करते हैं, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कतर में फीफा का जो आयोजन किया गया था वो कब हुआ था, 22वां फीफा का आयोजन किया गया था। फीफा का संबंध किससे, फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, काठमांडू नेपाल में किया गया था। अब बात करते हैं, जो शीतकालीन ओलंपिक्स हैं 2022 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे, चाइना बीजिंग में आयोजित किए जाएंगे। चाइना में अभी एक महामारी आई थी जिसकी वजह से पूरा कोरोना वायरस चाइना से शुरू हुआ था, जिसकी वजह से हमें टोक्यो जो ओलंपिक थे उन्हें भी स्थगित करना पड़ा था। हम बात करते हैं कि जो शीतकालीन ओलंपिक है वो चीन के बीजिंग में 2022 में होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय खेल का 36वां आयोजन कहाँ किया गया था, जो 36वां आयोजन किया गया था गोवा में किया गया था। क्रिकेट 2020 एशिया कप कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये पाकिस्तान में आयोजित किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं 32वीं ओलंपिक्स कहाँ आयोजित किए गए, जापान में आयोजित किए गए थे। और जापान में जो आयोजित किए गए थे, इस वक्त जापान में जब वो गेम हुए तो भारत ने आज तक के इतिहास में 7 पदक जीतकर एक इतिहास रच दिया, क्योंकि 7 पदक ओलंपिक में भारत ने कभी नहीं जीते। और सबसे अहम रोल रहा है कि पानीपत के नीरज चोपड़ा, हरियाणा के नीरज चोपड़ा का, जिन्होंने एथलेटिक्स में पहला गोल्ड दिया है भारत को जेवलिन थ्रो में। अगले क्वेश्चन हम बात करते हैं, विश्व मुक्केबाजी 2021 का आयोजन भारत में किया जाएगा, विश्व मुक्केबाजी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, 2021 में भारत में किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करें, 13वीं एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, चाइना में किया गया। अगला क्वेश्चन है, 13वीं वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो 13वीं वर्ल्ड कप क्रिकेट का आयोजन भारत में किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली या प्रथम महिला का नाम क्या है, कमलजीत संधू, क्या नाम है, कमलजीत संधू। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी का नाम क्या है, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम खिलाड़ी का नाम है KS रणजीत सिंह, क्या है, KS रणजीत सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, पंडचला हरि कृष्ण, क्या है, पंडचला हरि कृष्ण, ग्रैंड स्लैम से का जो गेम होता है उसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, फुटबॉल के गोल की जो चौड़ाई है वो कितनी होती हुई,